प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। 169 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो 169 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो आपको विभाज्यता के नियम आना आवश्यक है। क्या 169 में किसका भाग जाएगा? दो का भी नहीं जाता, पांच का भी नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता, सीधा जाएगा इसका 13 का। 13 एकम 13, बचेंगे कितने? बचेंगे यहां से 3, हो जाएंगे 39 और 13 39, फिर 13 आया, अब 13 में तो 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड क्या बने? 13 गुणित 13, चूंकि इसके जोड़े बने तो वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा? 13, यानी 169 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमें? 13। ये कैसे प्राप्त हुआ? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 के वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं 1764 के, ठीक है। सम संख्या है, दो का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, दो दो अठी 16, बचेगा एक यहां से, फिर 16 हो जाए तो 8 16 और 2 2 4, फिर किसका भाग जाएगा? फिर भी इसमें जाएगा दो का, क्योंकि सम संख्या है। 2 4 8 2 4 8, 2 1 2, अब दो का जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि कौन है? विषम संख्या है, दो का तो नहीं जाएगा। अब फिर किसका जाएगा? 3 का जाएगा। क्यों? कैसे पता चला? 4 और 4 होते हैं 8 और 1 9, इनका बीजांक कितना है? 9 और 9 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग इस संख्या में जाएगा। 3 एकम 3, बचेगा 1 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12, बचेंगे 2 21 हो जाएंगे, 3 7 21, 147 आया। अब इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें भी 3 का ही जाएगा, 3 चौक 12, बचेंगे 2 27 हो जाएंगे, 3 9 27 49 आया, और हम जानते हैं 49 में 7 का जाता है, साथ ही साथ ही 49 और 7 में 7 एकम 7 हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 1764 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 7 गुणित 7। तो 1764 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? यहां से जोड़े बना लो आप, यानी युग्म, तो यहां से निकल आया 2, यहां से निकल आया 3, यहां से निकल आया 7, 2 3 6 और 6 7 42 प्राप्त हुआ। किसका? 1764 का वर्गमूल। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा।